सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल सिद्धू एस ऑफिशियल ते। ते दूजी साडी तुसी वीडियो देख रहे हो कि जट जिमीदार ब्लॉग। पिछली वीडियो तुसी देखिया होना है कि असीं सिद्धूआं दा जां फूलकां दा इतिहास दस रहे सी, बठिंडे किले नाल किवें संबंधित है, किवें वह पट्टी राजपूत जैसल तो आए बठिंडे। तो असीं अज पहुँच चुके आपदे वीडियो के अगले पड़ाव च। पिछली वीडियो तुहाडे नाल वादा कीता सी मिलांगे असीं किसी किले च, पर यह पड़ाव जरूरी सी थोड़ा जिहा। इत्थे थोड़ा असीं इतिहास दसांगे सिद्धुआं दा, किवें इत्थे आए, किवें इत्थों मोढ़ी गड्डी गई, किवें उन्हां ने सातवें पातशाह तों वर लिया। तो देखते रहो यूट्यूब चैनल, पूरी सीरीज देखने लई चैनल नूं करो सबसक्राइब, वीडियो करो वध तों वध शेयर, तो लाइक करो, कमेंट करके दस्यो जेकर तुहानूं कोई इहदे विच प्रॉब्लम लगे जां फिर कोई एडिटिंग हो चाहीदी होई जां कोई होर एडिशनल इनफॉर्मेशन चाहीदी होई, कमेंट करके दस सकदे हो। सो अज असीं पहुंचे हां जी पिंड महराज, पंजाब दा कहिंदे सब तों वड्डा पिंड आ इह। थोड़ा तुहानूं पिंड बारे भी दस्सांगे, नाल इहदा इतिहास भी दस्सांगे। इस पिंड महराज चो कुल सिद्धुआं दे पहला 22 पिंड निकल चुके हैं, 14 होर नवें, कुल 36 पिंड इस पिंड चो सिद्धुआं दे निकल चुके हैं। 36 पिंड निकलने बावजूद भी हाले तक भी यह सब तो बड़े पिंडां दे विचों एक है पिंड महराज। किसी समय इत्थे 9 पंचायतां बन दियां सी एक पिंड दे विच, अलग अलग पत्तियां ने। चलो दस दें तुहानूं पिंड दा इतिहास। पहला आपां गुरद्वारा साहब तो शुरुआत करते हैं। ये जगह जिथे असं इस टाइम खड़े हैं ये है जी गुरद्वारा छोटा गुरुसर कह देंगे इनू। इस जगह के उत्ते छेवें पातशाह हरगोबिंद साहब जी ने अपनी तीजी जंग लड़ी। वो तीजी जंग का पहला आप थोड़ा इतिहास का जिक्र कर लीए। गुरु साहब के दो श्रद्धालू से जेडे उन्हां वास्ते दो घोड़े लेके आए थे, तो वह घोड़े लाहौर दरबार खो के लै गया से उन्होंने। तो इस तो बाद उन्होंने गुरु साहब को जाना किया, तो गुरु साहब उस टाइम दीना कांगड़ एरिए उन्होंने इदा दसाया कि असी तुहाडे वास्ते दो घोड़े लेके आए सी जी, तो लाहौर दरबार के साथ वो खो के लै गए ने। तो गुरु साहब ने किया कहा कि थोड़ी भेटत साढ़े जो तुम लेके आए उस टाइम ही साढ़े को मंजूर हो गई सी, बाकी तो हम असी देखांगे। फिर इस तो बाद दोबारा जाके वह भेस बदल के श्रद्धालु लाहौर तो घोड़े लेके आए, तो इतने गुरु साहब को। गुरु साहब ने इत्थे एक बड़ा गुरु सर है वो तुहानू अगे दिखावांगे। तो बड़े गुरु सर का स्थान चुनिया जंग लई, तो फिर इत्थे 34,000 मुगल फौजां दे नाल जंग लड़ी गई सी, जिहदे विच गुरु साहब का मोहनकिया ने साथ दिता। मोहनके कौन सी उहदे लई तुहानू साडी पिछली वीडियो च आना पूगा, बिल्कुल उपर नोटिफिकेशन आ गया होना, उत्ते क्लिक करके तुसीं साडी पिछली वीडियो देख सकदे हो। मोहनके कौन सी जिहदे अगे पोते आ फूल ते संदली, जिन्हां दा अगे जिक्र करांगे आपां। तो गुरु साहब ने इत्थे जंग लड़ी ते जीती। इस तो बाद कहिंदे काला जिहड़ा काला काफ़ी उदास रहिंदा सी। हुण आपां आ जांदे हां कि दुबारा वापस पिंड दी मोढ़ी किद्दां गड्डी गई, तो सिद्धुआं जां फूलकां दा इस दे नाल की संबंध आ पिंड दे नाल। ते काला बहुत काफ़ी उदास रहिंदा सी, ते काले ने दसना कीता जी कि इद्दां दा सानूं इशू आ जो भी, ते बसन नहीं दे रहे इत्थे। ते फिर गुरु साहब ने जिवें आप पिछली वीडियो च जिक्र किया सी, ते लाले कौड़े नूं समझाउणा कीता कि इहनां नूं रहिण लई जगह दे दिओ ते इह बसना चाहुंदे आ इत्थे, पर लौले काले नाल फिर कोई गुरु गल ना बनी। इस तो बाद काले ने गुरु साहब के आशीर्वाद के नाल इत्थे जंग लड़ी भुलरां ते जैदपुराने नाल बसन लई, ते जिहदे विच जैदपुराना जिहड़ा कि भुलरां दा जवाई कहा जांदा है वह मारिया गया इस जंग दे विच। ते इस तरह इस पिंड की मोढ़ी गड्डी गई गुरु साहब के आशीर्वाद नाल काले ने जंग जीती, ते इत्थे पिंड बसाया महराज। क्योंकि मोस्टली तुसी देखते हो कि इत्थे सिद्धुआं दा ही पिंड आ, सिद्धू को ज़्यादातर है इत्थे। ते 22 पिंड इहदे विच सिद्धुआं दे निकल गए सी पहला, जिवें पहला दस्सिया 14 बाद च निकल गए। ते इन्हां 22 पिंडां नूं 22 अज भी कहा जांदा है। ते इंट्रस्टिंग फैक्ट इहदा इह है कि इस 22 नूं उस समें जदों अंग्रेज़ां दा राज सी इत्थे करमाप सी। पिंड दे विच छेवें पातशाह दा इक होर गुरद्वारा है, ते इन्हां सारे गुरद्वारिआं लई सिद्धुआं विच हजे भी अथाह शरदा है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि इस जिहड़ा महराज पिंड है सारे सिद्धुआं दा जद्दी पिंड है, इस पिंड दे विचों ही अगे जिन्ने तुसीं देखदे होंगे सिद्धू ने वह सारे इस पिंड दे विचों ही निकले ने, तो हजे भी अथाह शरदा है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इत्थे हाले आउंदे ने। एक गुरद्वारा है बड़ा गुरु सर, जिस जगह उत्ते छेवें पातशाह ने अपनी तीजी जंग लड़ी, तो इत्थे हाले भी दो निशान साहब मीरी अते पीरी दे सामने तुसी देख सकते हो। तो कहिंदे ने एक बार सातवें पातशाह दे भी इत्थे चरण पए, सातवें पातशाह दे चरण छो प्राप्त है जी ये पिंड। तो एक बार सातवें पातशाह इत्थे आए हुए सी, ते काला
ਸੰਦਲੀ ਦੇ ਫੂਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫੂਲ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਭੋਗਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਮਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੋਲੀਊਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਬਿੰਗ 'ਚ। ਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੋਰਸ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਨੇਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।